हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। जैसे कि आप जानते हैं आज संडे है, तो आपको मैं लेट व्लॉग बना रहा हूँ। शाम के 5 बज चुके हैं। सुबह से हम लोग बिजी थे। पहले वाइफ कपड़े धोने लगी थी और उसके बाद फिर पीयू की तबीयत थोड़ी सी डाउन थी, तो हम डॉक्टर के पास गए थे, पीयू को दवाई दिला के लाए। उसके बाद हमें टाइम ही नहीं मिला, तो टाइम इतनी जल्दी जल्दी बीता संडे का तो पता ही नहीं चला गाइस। तो अभी हम लोगों का सडनली वाइफ का मन कर गया कि गाजर का हलवा खाना है। एक्चुअली फर्स्ट ऑफ जैन को ही न्यू ईयर पे हमने बनाया था, वाइफ ने स्पेशल। वाइफ का मन कर रहा है तो सेकंड टाइम मैंने सोचा मैं ही एक बार हलवा बना के ट्राई कर लेता हूँ। तो देखते हैं कंपटीशन किसका बेस्ट हलवा बनेगा। तो गाइस चलते हैं अब हलवा बनाने के लिए। मैं गाजर ले ली है और उसको कद्दूकस करना है, तो चलिए। गाजर मैंने कद्दूकस कर लिया है। बहुत टाइम लगता है ये सब चीजों में, क्योंकि हम लोगों को एक्सपीरियंस ही है ना है। क्योंकि हम लोग जानते हैं बाहर का काम करना, घर का काम करना घर की लेडीज के ऊपर होता है, पर बहुत डिफिकल्ट होता है। लेडीज कैसे कर पाती है वो अभी पता चल रहा है। देखिए कद्दूकस करी है मैंने, बहुत ज्यादा टाइम ले किया था इसको कद्दूकस करने में। तो चलिए चलते हैं बनाते हैं, आप देखते रहिए। तो गाइस इसमें मैंने डाला है देसी घी, 2-3 चम्मच देसी घी डाला है। और अब इसको हम थोड़ा गर्म होने देते हैं, फिर उसके बाद हम इसमें गाजर डालेंगे। गाजर धीरे धीरे पानी सूखेगी इसका, गाजर का। फिर जैसे ये पानी सूखेगी तब हम इसमें दूध डालेंगे। तो दूध आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, आप कोल्ड वाला डाल सकते हैं, आप फुल क्रीम डाल सकते हैं। तो मैं प्रेफर करता हूँ फुल क्रीम वाला दूध, इसमें बेस्ट रहेगा। तो अभी थोड़ा सा इसको हिला लेते हैं। देखिए पानी सूखेगी तो ये कम होती जाएगी, धीरे धीरे श्रिंक होती रहेगी।
आप देख सकते हैं इसमें गाजर में पानी छोड़ दिया और पानी सूख चुका है और अब इसमें डालेंगे दूध। तो हम ये फुल क्रीम दूध ऐड कर रहे हैं इसमें। आप देखिए हमने इसमें डाल दिया है गाइस 1.5 किलो फुल क्रीम दूध। तो अभी हम इसको थोड़ा सा हिला देते हैं ताकि अभी धीरे धीरे इसको एकदम धीमी आंच पर इसको दूध को गाजर में मिक्स होने देते हैं, सूखने देते हैं। तो जब तक ये एकदम सूखा ना दे तब तक इसको तो भाई 1.5 घंटे तक इससे कम आंच पे हलवे को पूरा इसका दूध जो भी था दूध में मैश हुआ ये दूध भी सूख चुका है। और अब इसमें हम चीनी डालेंगे तो थोड़ा सा और ये दूध को सूख जाए। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं हलवे का वो देखिए बिल्कुल धीरे धीरे अब दूध भी पूरा सूख रहा है। अब इसमें हम चीनी डाल रहे हैं, अपने स्वाद अनुसार आप चीनी डाल सकते हैं। चीनी को हम इसमें हलवे के अंदर मिला लेते हैं। फिर आप एक बार टेस्ट करके चेक कर लेंगे कि का टेस्ट कैसा है, कम लगता है तो हम और चीनी इसमें ऐड कर लेंगे। तो गाइज आप देख सकते हैं फाइनली बन गया है गाजर का हलवा। सेकंड टाइम अब हमने बनाया है, फर्स्ट टाइम वाइफ ने बनाया था, अभी सेकंड टाइम मैंने ट्राई किया। तो ये कम से कम 5 बजे से हमने स्टार्ट किया था और 8 बजे फाइनली ये बना है और बन के रेडी हो गया है। देखने में बहुत अच्छा लग रहा है और मन भी कर रहा है अभी खाने का, बट हम अभी नहीं खाएंगे, हम डिनर करेंगे फिर उसके बाद हम टेस्ट करेंगे। तो गाइज आपको बताते हैं कैसे बना हलवा और आप भी हमें कमेंट्स करके जरूर बताना कि आपको कैसा लगा। ये वाइफ को हलवा दे दिया गया है और वाइफ टेस्ट करके बताएंगी कि आज का हलवा कैसा बना है, कैसा लगा। मेरा अच्छा था या तुम्हारा अच्छा टेस्ट वाइज? अच्छा, ये वाला ज्यादा अच्छा है क्योंकि 3 घंटे की मेहनत से बना। अच्छा जी, और मैंने जल्दी जल्दी बना दिया था। अच्छा अच्छा, बट रियली टेस्ट गुड। गाइस पीयू अभी सो रही है और इसने कॉम्प्लीमेंट्री दे दी है, गाजर का हलवा बहुत ही टेस्टी बना हुआ है और बहुत मेहनत लगी है, 3-4 घंटे लग चुके थे इसमें बनने में और हम लोगों ने डिनर भी कर दिया है आज। गाइस पूरा दिन ऐसी टाइम निकला कि पता ही नहीं चला, सुबह से लेके दिन तक तो वाइफ ने कपड़े धोए, फिर पीयू को डॉक्टर के पास हम लेकर गए थे, फिर उसके बाद
हम आए हैं वापस फिर गाजर का हलवा बनाने का प्लान बन गया। तो पूरा टाइम ऐसे ही बीत जाता है छुट्टी वाला दिन, मतलब हम लोगों को तो रेस्ट करने का मौका ही नहीं मिलता मेंस को, तो क्योंकि 6 दिन तो बाहर रहते हैं, एक संडे दिन अपने घर के जो पेंडिंग काम होते हैं वो कर लेते हैं, तो रेस्ट बस रात में ही मिलता है। गाइस आज का दिन बहुत अच्छा भी था हमारे लिए, और शाम को हमने प्लान किया था गाजर का हलवा खाने का, और वो बनाया, टेस्ट किया, खा भी लिया। रितु को भी काफी अच्छा लगा था हलवा। तो गाइस आप भी ट्राई करिएगा जब आपको टाइम मिले, बहुत अच्छा लगता है बनाना। एक दिन कभी जैसे हम अलग टाइम निकाल के बनाते हैं तो अच्छा लगता है। तो गाइस आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, और अगर आप पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, क्योंकि मेरी लेटेस्ट जो वीडियो होती है उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिलेगा। तो ओके गाइस मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बाय।